हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। सुंदर वन नामक एक घना जंगल था। उस वन में ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे। वे सभी हंस रोज प्रतिदिन सुबह होते ही भोजन की तलाश में उड़कर दूर दूर चले जाते और दिन भर भोजन करके शाम को वो अपने वृक्ष पर वापस लौट आते। एक दिन एक बूढ़े हंस ने पेड़ के तने से लिपटी हुई एक छोटी सी लता देखी। उस लता को देखकर बूढ़े हंस के दिमाग में कुछ बातें आईं। जो बातें उसके दिमाग में आई, उन बातों से चिंतित होकर उसने सभी हंसों को बुलाया और उनसे कहा, देखो तुम इस छोटी सी लता को उखाड़कर फेंक दो। यह लता भविष्य में बढ़कर ऊपर पहुंचेगी, जिस वजह से हमारे प्राण खतरे में पड़ने की संभावना है। बूढ़े हंस की बात सुनकर एक जवान हंस ने कहा, अरे हंस काका, आप तो बहुत शंकालु हैं। एक छोटी सी लता को देखकर आप इतने चिंतित हो गए। यह लता हमारा क्या बिगाड़ लेगी? देखने में तो कितनी सुंदर है, ये क्या बिगाड़ लेगी हमारा? बूढ़े हंस ने कहा, मेरी बात मानो युवक, यह लता धीरे धीरे बढ़कर पूरे पेड़ पर फैल जाएगी और ये इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी शिकारी इसे पकड़कर पेड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा। ऐसे में शिकारी हमें बड़े आसानी से पकड़ लेगा या फिर हमें मार देगा। लेकिन बूढ़े हंस के इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से सभी हंस चले गए। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वह लता पेड़ से लिपटती हुई ऊंची शाखाओं तक पहुँच गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में बहुत दूर चले गए थे। उस दिन शिकार की तलाश में एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने पहले ही उस वृक्ष पर हंसों को देख लिया था, इसलिए जाल बिछाने के लिए उन हंसों को पकड़ने के लिए वो उस पेड़ के पास आया और पेड़ से लिपटे लताओं के सहारे बहुत ही आसानी से वो ऊपर चढ़ गया और जगह जगह उसने जाल बिछा दिया और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बिछाए हुए इस जाल में सभी हंस फंस जाएंगे और कल सुबह सभी हंसों को पकड़कर मैं ले जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए शिकारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद शाम ढलने को आई और सभी हंस पेड़ पर लौटने लगे। वे जैसे ही पेड़ पर आकर बैठे कि तुरंत शिकारी के जाल में फंस गए। वह बूढ़ा हंस भी जाल में फंस गया। उसने कहा, देखा आ गई ना आफत। सभी हंस चीखने चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, हम कैसे छूटेंगे, हमें कौन बचाएगा? तभी बूढ़े हंस ने कहा, अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने समझाया था तभी तुम्हें समझ नहीं आई। अब सब मिलकर ये सोचो कि इस आफत से कैसे बच निकलें। लेकिन जाल में फंसे सभी हंसों का रोना धोना जारी था। तभी बूढ़े हंस ने गंभीरता से कहा, इस तरह व्याकुल और परेशान होने से बात नहीं बनेगी। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, तभी हम लोग शिकारी के इस जाल से निकल पाएंगे। हंसों के शांत हो जाने पर बूढ़े हंस ने कहा, सुबह शिकारी के आने पर हम इस जाल में इस तरह पड़े रहें जैसे हम सब मर गए हों। किसी को भी पंख नहीं फड़फड़ाना है। तभी एक जवान हंस ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तभी बूढ़े हंस ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शिकारी पेड़ पर आएगा और हमें मरा हुआ देखेगा तो वो एक एक को जाल में से निकालकर जमीन पर फेंकेगा।
नीचे गिरने पर भी किसी को हिलना डुलना नहीं है। हमें ऐसा ढोंग करना है मानो हम मरे हुए ही हैं। जब हम सभी नीचे फेंक दिए जाएं, तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे, समझे? बूढ़े हंस का यह उपाय सभी को उचित लगा। सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात्रि बीत जाने के बाद सुबह शिकारी आया। उसने पेड़ पर चढ़कर देखा तो सभी हंस जाल में मरे हुए पड़े थे। यह देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या, ये सब मरे पड़े क्यों हैं? उसने एक एक करके सभी हंसों को जमीन पर फेंक दिया और उदास मन से पेड़ से नीचे उतरने लगा। शिकारी को पेड़ पर से नीचे उतरता देखकर बूढ़े हंस ने कहा, चलो अब सब एक साथ उड़ जाओ, और सब वहां से फड़फड़ करके उड़ गए। पेड़ पर से नीचे उतरता हुआ शिकारी आंखें फाड़ कर उड़ते हुए हंसों को देखता रहा। ये क्या, और वो देखता ही रहा और उदास होकर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये सभी हंस मरने का ढोंग करके बड़े ही चालाकी से इन्होंने अपनी जान बचा ली, और मैं तो समझ ही नहीं पाया। देखा बच्चों, आज अगर उस बूढ़े हंस की सलाह ना मानी होती तो आज सभी हंस अपनी जान गंवा बैठते। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। यूं तो हम जानते हैं कि जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं, उसमें से ये कहानी एक चूहे और एक शेर की है। आओ हम सुनते हैं कि एक शेर और चूहे की दोस्ती किस तरह हुई। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक एक चूहा न जाने कहां से आके उसके ऊपर आ धमका। लेकिन शेर महाराज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। ऐसे में शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में कुछ शरारत सूझी और शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। कभी उसके कान को छेड़ता, कभी उसके पूंछ को हिलाता, कभी उसके नाखून चबाता। चूहे की इन शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने झट से अपने पंजों से चूहे को दे दबोचा। जब शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया, चूहे को ये बात समझ में आ गई कि अब तो गए। वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता, आज तो उसकी मौत तय है। ऐसे में चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर महाराज से विनती करने लगा कि शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर जब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी ने जाल फैलाकर रखा था, उस जाल में वो फंस गया। अब अचानक शेर घबराकर उस जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और जोर जोर से गरजने लगा, दहाड़ लगानी शुरू की। शेर की इस दहाड़ को सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला, जिसे ये बात समझ में आ गई कि शेर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को उस जाल में फंसा देखकर वो चौंक गया।
उसने बिना देर किए फुर्ती से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को फटाफट काटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब, कौन और किस परिस्थिति में हमारी मदद कर हमारी जान की रक्षा कर देता है, इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें और सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कुरूप बतख। जंगल के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर था और उस घर के पास एक सुंदर सा झरना बह रहा था। उस समय सर्दी की हल्की हल्की धूप निकल रही थी। चारों ओर सुंदर वातावरण था। उस झरने के पास उगी हुई हरी हरी घास में एक बतख ने अंडे दिए थे। थोड़े दिन बाद उन अंडों में से छोटे छोटे 5 सुंदर बच्चे निकले। उन्हें देखकर बतख मन ही मन बहुत खुश हुई और झूमने लगी। लेकिन अचानक उसी समय बतख ने एक बड़ा अंडा देखा। उसने उस अंडे को सेया ही नहीं था, इसलिए उसने उसे भी सेना शुरू किया। उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चे को देखते ही उसने कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है। मेरा बच्चा इतना कुरूप और इतना मोटा नहीं हो सकता। यह तो किसी हंस का बच्चा लगता है। फिर भी बतख अपने 5 बच्चों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। कुछ समय यूं ही बीतता गया। उसके बाद बतख के दूसरे बच्चे उसे खूब चिढ़ाते थे। दूसरे जानवर भी उस कुरूप बच्चे का मजाक उड़ाते। लेकिन बतख तो एक माँ थी, उसे यह देखकर दुख होता। पर कोई बात नहीं, वह कहती, मेरा एक बच्चा भले ही कुरूप हो लेकिन उसका स्वभाव कितना अच्छा है। उसे अभी से खेलना, कूदना, तैरना आ गया है। लेकिन कुरूप बच्चा अपने मन में सोचता है, दूसरे प्राणी मुझसे नफरत करते हैं लेकिन इसमें शर्माना क्या, मुझे कोई भी नहीं चाहता, इसलिए मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी होकर वहां से चल पड़ता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां कुछ जंगली बतखें रहती थी। वहां भी उसे किसी ने नहीं बुलाया। इतने में उसने धाई धाई की भयंकर आवाज सुनी। किसी शिकारी ने 3-4 बतखों पर गोली चलाई थी, इसलिए वे सभी जमीन पर तड़प रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बाप रे, यहां तो जान का खतरा मालूम पड़ता है। मैं तो बाल बाल बच गया, शायद इसलिए कि मैं बतख जैसा नहीं दिखता हूं। और अचानक उसी समय एक कुत्ता झाड़ी से निकलकर दौड़ता हुआ उसकी ओर आया। कुत्ते की काली काली आंखें और नुकीले दांत देखकर वह तेजी से भागने लगा। कुत्ते ने भी उसका पीछा किया पर वह उसका कोई भी नुकसान नहीं कर पाया और वहां से चला गया। डर के मारे कुरूप बतख कुछ बड़बड़ाया, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी इस कुरूपता के वजह से आज मेरी जान बच गई। अब यहाँ रहने में अपनी खैर नहीं, आगे निकल लेता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। चलते चलते वह एक छोटे से मकान के पास पहुँचा। उस मकान के एक कोने में वह जाकर चुपचाप बैठ गया। और तभी उसी मकान में रहने वाली एक बुढ़िया, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक बतख बैठा हुआ है। उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, यह बतख यहाँ आई है, इसलिए मुझे अब इसके अंडे खाने को मिलेंगे। वह बुढ़िया बतख के उस कुरूप बच्चे को पालने लगी, लेकिन यह बतख तो अंडे देती ही नहीं थी, इसलिए बुढ़िया को भी उससे नफरत होने लगी। मौका पाते ही बतख का बच्चा वहां से भी निकल गया। एक दिन पानी में तैरते तैरते उसने आकाश की ओर देखा। बड़े बड़े सुंदर पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था। उसे वे पक्षी बहुत सुंदर दिखाई दिए। उसने कहा, पहले तो मैंने कभी ऐसे जगमगाते सफेद पक्षी नहीं देखे थे, ये कौन हो सकते हैं? वे सफेद हंस थे। जोर जोर से विचित्र आवाज करते हुए वे उड़ते उड़ते दूर चले गए। बतख का बच्चा फिर अकेला पड़ गया। कुछ समय बीतने के बाद बसंत ऋतु आई। अब तो वह बतख का बच्चा भी बड़ा हो गया था, उसमें काफी शक्ति भी आ गई थी। एक दिन उसने अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने का प्रयत्न किया। वह फरफर करता हुआ उड़ने लगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हवा में उड़ने का उसका यह पहला अनुभव था, तभी उसे बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए वह बहुत देर तक उड़ता रहा। आकाश में उड़ते उड़ते उसने नीचे नजर डाली। नीचे एक बगीचा था। बगीचे में एक तालाब था। वे सफेद सुंदर पक्षी भी उस तालाब में तैर रहे थे। वह भी नीचे उतरकर तालाब के किनारे आकर बैठ गया। और कुछ देर बाद उस तालाब के सफेद पक्षी तैरते हुए उस बच्चे के पास आते हैं। ऐसे में वो बतख का कुरूप बच्चा घबरा जाता है और उससे कहता है, ऐ खूबसूरत पक्षियों, सभी प्राणी मुझसे नफरत करते हैं। मैं बतख का एक कुरूप बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मेरे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। यह सुनकर सभी सफेद पक्षी खिलखिलाकर हंसकर बोले, अरे नहीं बच्चे, तुमसे किसने कहा कि तू कुरूप है? तू बतख का बच्चा नहीं है, तू तो हमारे जैसा ही एक छोटा सा हंस है। तू भी हमारे जैसा ही सुंदर है, जरा पानी में अपना रूप तो देखो। और जैसे ही वह बतख का कुरूप बच्चा पानी में अपना रूप देखता है तो देखकर मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह बतख का बच्चा अब हंस बन गया था। उसने तालाब के पानी में जब अपना प्रतिबिंब देखा, वह खुश होकर बोला, सचमुच मैं तो तुम्हारी जैसा ही दिखाई देता हूं। अब मेरे मन में कोई गिला नहीं, अब मैं अपने मन को कभी छोटा नहीं करूंगा। अब वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब वह अपने आप से परिचित हो चुका था, क्योंकि अब उसे अपनी पहचान मिल गई थी। फिर वह छोटा हंस अब सबके साथ मिलकर खुशी से रहने लगा। देखा बच्चों, जब हम अपने अंदर के अच्छे गुणों को समझते हैं, तभी हम अपनी सही पहचान कर पाते हैं। जिस प्रकार उस छोटे हंस ने आज अपनी पहचान पा ली। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। गांव के नजदीक एक छोटा सा शहर था। उस शहर के पास एक गोमती नदी बहती थी।
वह बहुत ही गहरी नदी थी। उस गहरी नदी के पास एक बहुत बड़ा विशालकाय जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के वृक्ष पर एक चीकू नाम का बंदर रहता था। बहुत ही मस्त मौला और शरारती बंदर था। वह उस पेड़ के मीठे मीठे जामुन खाता और बड़े ही मजे से जिंदगी जी रहा था। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठे मीठे मीठे जामुन खा रहा था, तो उसने नदी में एक मगरमच्छ देखा जो उसे काफी देर से देख रहा था। चीकू ने कहा, अरे कौन हो तुम? तो मगरमच्छ बोला, मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक साथ इसी नदी में रहते हैं। और तुम कौन हो? तो बंदर बोला, मेरा नाम चीकू है और मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो, तुम इसी जगह आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं इसी पेड़ पर मीठे मीठे जामुन खाता हूँ। ये लो, तुम भी खा लो मीठे मीठे जामुन। और बंदर ने उस मगरमच्छ को काफी सारे मीठे मीठे जामुन खिलाने शुरू कर दिए। बंदर पेड़ से जामुन फेंकता गया और मगरमच्छ नीचे से जामुन अपने मुंह में पकड़ लेता और मजे मजे में खाता। रोज ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही। अब एक दिन मगरमच्छ ने कहा, मुझे थोड़े से जामुन और दे दो। यह जामुन मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। उसे भी ये मीठे मीठे जामुन बहुत अच्छे लगेंगे। तो चीकू ने बहुत सारे मीठे मीठे जामुन नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ रोजाना अपनी पत्नी के लिए भी यह जामुन ले जाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, यह मीठे जामुन जो बंदर रोज खाता है, तो सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। आज तो मुझे जामुन नहीं खाने, आज तो मुझे उस बंदर का मीठा मीठा कलेजा ही खाना है। पहले तो मगरमच्छ बहुत हैरान हुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? वह मेरा दोस्त है, मैं उसका कलेजा कैसे ला सकता हूं? अब मगरमच्छ की पत्नी तो जैसे जिद पे ही अड़ गई थी और वह बोली, नहीं, मुझे आज तो उसका कलेजा ही खाना है। अब मगरमच्छ क्या करता, बेचारा छोटा सा मुंह लेकर बंदर के पास आया और कुछ योजना बनाकर बंदर को फुसलाकर घर ले जाने का सोचा। और मगरमच्छ बोला कि आज तुम्हारी भाभी ने घर पर भोज रखा है, तो मेरे साथ तुम भी घर चलो, हम खूब सारे व्यंजन खाएंगे। भाभी ने खूब सारा खाना बनाया है। ये बात सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और मगरमच्छ के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अब ऐसे ही हुआ, चीकू बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वह घर की ओर जाने लगे, तो मगरमच्छ ने रास्ते में उससे कहा, देखो पिकू, मुझे माफ कर देना, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा कलेजा खाने की जिद की है। वह कह रही थी कि जो बंदर इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा बहुत ही मीठा होगा। तो वह जिद पर अड़ गई और वह कह रही है कि मुझे बंदर का कलेजा खाना है, उसका दिल खाना है। अब चीकू पहले तो डर गया, फिर सोचने लगा कि किस तरह से मगरमच्छ के चंगुल से बचा जाए। फिर निर्भीक होकर चीकू बंदर बोला, अरे पहले बता देते भाई, तुमने तो मुझे बताने में देर कर दी। हम बंदर तो अपना कलेजा पेड़ पर रखते हैं, और तुम अगर मुझे यह बात पहले बताते, तो मैं अपना कलेजा साथ ले लेता। अरे चलो वापस चलो, मैं अपना कलेजा ले आऊं। फिर भाभी को
तभी खाने का मजा आएगा, नहीं तो भाभी क्या कहेगी। तो मगरमच्छ कहता है, ठीक है भाई, और वह उसे घुमाकर वापस उसी पेड़ के पास ले आता है। अब जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास लेकर आता है, तभी पीकू छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है, अच्छा अब वापस जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, ऐसे गद्दार दोस्तों से मैं दोस्ती नहीं करता, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। देखा बच्चों, इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त, जैसे आज मगरमच्छ ने चीकू के साथ किया। हमें कभी भी दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए।